हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि कुछ व्यूअर हमारे यूएई से भी आते हैं और उनका कहना यह है कि वैट को लेकर के वीडियोस बनाइए, तो वैट को लेकर के टैली ईआरपी 9 में हमने वीडियो क्रिएट की थी और ये वीडियो जो है टैली प्राइम को लेकर के है, क्योंकि आप जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है और अब टैली ईआरपी 9 की जगह टैली प्राइम यूज होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो क्रिएट कर। ये टैली प्राइम ओपन हो चुका है, यहां से हमें एक नई कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए यहां पर शॉर्टकट की F3 प्रेस कीजिए और यहां से आ जाइए क्रिएट कंपनी पर। एंटर प्रेस करता हूं मैं और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हम तो एक न्यू फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए न्यू फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। गगन एंड गगन ये नाम दे दिया हमने कंपनी का, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूं यहां पे अबू धाबी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। एंटर प्रेस किया, एंटरफेस किया, यहां पर देख सकते हैं पहले हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से कंट्री सेलेक्ट करेंगे यूएई, ठीक है, तो ये यूएई आ जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे। अब फिर यहां पर यूएई का जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एंटरफेस करेंगे और जो ये सारी डिटेल्स है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1/4/2019 से लेकर, ठीक है, यहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। हमारा काम कब से स्टार्ट होगा, जैसे हम मान लीजिए हमारा काम स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल 2019 से, तो यहाँ 2 अप्रैल 2019 कर दिया हमने। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ठीक है। यहाँ की करेंसी का सिंबल यहाँ आ गया है, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहला काम यह करना है कि वैट को एक्टिवेट करना है। तो वैट को कैसे एक्टिवेट करेंगे, यहां पर वाई प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही वाई प्रेस कीजिएगा ये इस तरह से खुल करके आएगा। यहां पर टीआरएन नंबर डालना है आपको, तो टू में एंटर प्रेस करेंगे और ये 1 अप्रैल 2019 से लागू हो रहा है। मंथली हम फाइल करेंगे वैट, ठीक है, और यहाँ सेट वैट अल्टर डिटेल को यस करना है और ये टैक्सेबल ही रखेंगे। जैसा कि जानते हैं जीएसटी भी हम लगाते थे तो वहां एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड और टैक्सेबल आता था, तो यहाँ जीरो रेटेड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5% बाई डिफॉल्ट हमने लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर आप चाहे तो इसको भी यस कर सकते हैं और एंटर प्रेस करके, और एंटर प्रेस करके इसे करा लीजिए आप एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमने करा लिया एक्सेप्ट और पुरानी कंपनी को हम यहाँ पे राजेश मल्टी स्टोर जो है इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ अल्ट F3 पर जाएंगे, शट कंपनी पर जाएंगे और जिस भी कंपनी को हमें बंद करना हो वहां पर जाकर के और एंटर प्रेस करके और एक्सेप्ट करा लेंगे इसको। अब पहला काम हमें करना है, ठीक है, वो रिसीव वाउचर में जाके करना। तो F6 प्रेस कर लीजिए, रिसीव वाउचर में आ जाएंगे आप और यहाँ पर कैपिटल रिसीव करा लीजिए जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं, ठीक है। काम हमारा 2 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो 2/4/2019 कर देता हूं मैं, 2/4/2019, ठीक है, ये कर दिया हमने। एंटर प्रेस किया और यहां पर जैसे ही आएंगे तो एंटर प्रेस करेंगे, अब यहां पर आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ओके, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहां पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और एंटर प्रेस करके और इसे करा लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसे एक्सेप्ट करा लिया हमने और एक्सेप्ट कराने के बाद कितना कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, थीके? और फिर यहां पर आएंगे तो ये कैश के रूप में कर रहे हैं। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ये हो गया हमारा कैश रिसीव, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो अब यहां पर फिर वापस हमें वाउचर में जाना, परचेज वाउचर में जाना, तो F9 प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है, परचेज वाउचर में जाने के लिए। अब यहां पर परचेज करेंगे कुछ हम, ठीक है। तो ये आ गए हम, यहां पर आ गए, 2 अप्रैल यहां डेट रहेगी, ठीक है, 2 अप्रैल या जैसे मान लीजिए यहां पर कर देता हूं 1/5/2019, ठीक है, तो 1 मई कर देता हूं मैं। एंटर प्रेस करता हूं, अब यहां पर कैश आ रहा है, लेकिन हमें यहां सन्डरी डेटर और क्रेडिटर पार्टियों के लेजर बनाना है, तो यहां पर बनेगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो यहां पे बना लेता हूं, सी कर देता हूं यानी क्रेडिटर, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें दे देना है सन्डरी क्रेडिटर। एस प्रेस करेंगे, यहां सन्डरी क्रेडिटर वाला ग्रुप शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट कराइए, जिस तरह से मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक उसी तरह से, ठीक है, ये हमने कर दिया। और कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, फिर कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, यहां पर आएंगे तो यहां परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, तो यहां पे परचेज अकाउंट कर देंगे, ये कर दिया हमने। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पी प्रेस कर लेता हूं और यहां से पी परचेज अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसको हम रखेंगे टैक्सेबल, चलिए ठीक है टैक्सेबल रख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर अब आएंगे तो यहां पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया, मान लीजिए मॉनिटर, तो ये लिख दिया हमने मॉनिटर। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है।
यहां पर आएंगे यूनिट्स बना लेंगे। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, आईटीएम आइटम लिख देता हूं, आइटम ठीक है, एंटर प्रेस किया। यहां जीरो ही रखेंगे ठीक है, और ये टैक्सेबल के ही कैटेगरी में आएगा तो टैक्सेबल ही रहेगा ये। एंटर प्रेस किया ठीक है। अब यहां पर कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 6 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं ठीक है। एक क्वांटिटी हमें पड़ रही है समथिंग इतने की 23,000 ठीक है, ये हमारा आ गया अमाउंट टोटल ठीक है। और इसके बाद यहां पर इस मॉनिटर पे हमें लगाना है वैट, तो वैट के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा, तो वैट एट द रेट 5% ये लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं ठीक है। एंटरप्राइज क्या रहे कि कितना परसेंट वैट लग रहा है ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए और ये वैट है और कुछ तो है नहीं। एंटरप्राइज किया, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 3 तक ही, डेसिमल वैल्यू 3 तक ले सके ये। जैसे ही एंटरप्राइज करेंगे तो यहाँ 5% के हिसाब से वैट कैलकुलेट होकर आ जाएगा और इसी तरह से आप एंट्रीज पास करेंगे ठीक है। प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ।